और आपने मुझे देखा होगा, मैं ये क्या कहते हैं, कूट रही थी इलायची, क्योंकि आज हमें बनानी है गुंजिये, तो उसके लिए बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। तो हमने अभी से शुरू कर दी, क्योंकि उसमें समय लगेगा और आज का दिन बहुत बिजी होने वाला है। तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिएगा और अभी तो मैं ये इलायची कूट रही हूँ, उसके बाद बहुत सारा काम करना है मुझे। और नीचे देखिए ये सब सामान है। देखिए जो हमने मंगवाया था, इतना काम फैला हुआ है कि अभी तक रखा भी नहीं गया है, बस ऐसे ही पड़ा हुआ है। जो 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 सामान की जरूरत हो रही थी बस हम लेते जा रहे थे। और ये मैदा है जो मैं छान रही हूँ, और इसको मैंने एक बार में सारा ही छान लिया था जिससे कि मुझे बार बार परेशानी ना हो। और इसी में से मुझे जितना ज़रूरत होगी उतना ले करके मटरी और गुंजिया बनाऊंगी मैं। और ये मेरी मैदा भी तैयार है गुंजिये बनाने के लिए, और ये हमारा सामान भी तैयार है गुंजियों में भरने के लिए। ये देखिए, और देखिए मैंने सब सामान तैयार करके वहाँ पर रख लिया था जहाँ पर मुझे अंदर रूम में गुंजियाँ बनानी थी, बस बनानी ही बाकी रह गई थी। बाकी तो सब सामान तैयार ही था। तो अब हो गई है हमारी गुंजिया बनाने की तैयारी। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जाइएगा मत, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो हमारी गुजिया बनाने की आज सारी तैयारी हो चुकी है, और ये देखिए बनाने वाले बैठ ही गए हैं। हाय करो, और इनके हाथ में है गुजिए के सांचे, दिखाओ। चलिए आइए बनाते हैं और आपसे बनाने के बाद बात। और अब मैं इनको बनाने के बाद फ्राई कर रही हूँ, और ये मटरी है और इधर कढ़ाई में भी फ्राई हो रही है थोड़ी सी, और गुंजी मैंने पहले ही फ्राई कर ली थी मटरी से पहले। तो फ्रेंड्स, हमारा जो होली का सारा सामान है हमने तैयार कर लिया, और देखिए मेरी हालत कैसी हो रही है सुबह से करते करते। और बस एक बार ही सुबह मैंने बाल बनाए थे, और तब से ना ध्यान ही नहीं गया कि मैं ड्रेसिंग में जाके अपने आप को देख लूं, और बाल भी कितने ख़राब से हो रहे हैं। और अब मैं इतना थक चुकी हूं कि बस बता नहीं सकती, मन ही कर रहा है कि लेट जा। हाँ फ्रेंड्स, हमने लगभग सारा सामान तैयार कर लिया है, देखिए मटरी है ना, अच्छी है ना, चाय से बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत पसंद है। और ये गुंजिये हैं, ये भी हमने तैयार करके रख ली है। और फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, और बाकी का सामान मैंने पहले ही बना लिया था। और फ्रेंड्स, आज शाम को मुझे कहीं जाना है अपने हस्बैंड के साथ, इनके एक फ्रेंड हैं वो क्रिश्चियन है, उन्होंने हमें आज उनके यहाँ कोई पूजा पाठ मतलब दुआ का कोई प्रोग्राम है उसमें उन्होंने हमें इनवाइट किया है।
तो और हमें उसमें जाना है। तो फ्रेंड्स अब मैंने सारा काम अपना निमटा ही लिया था और आज हमारा फास्ट है। कि उन्होंने ये कहा था कि जब आप आए शाम को दुआ में तो फास्ट रख करके आना, तो खाने की तो कोई टेंशन ही नहीं है, पर ये है कि सारा हमने बना के तैयार कर लिया है और अब मैं फ्री हूँ कि मैं परेशान नहीं होना है कि मुझे कुछ बनाने से रह गया है। चिप्स पापड़ वगैरह मैंने पहले ही बना लिए थे, नमकीन भी बना ली थी, बाकी एक नमकीन रह गई है आलू भुजिया की, वो मैं कल बनाऊंगी अगर मुझे समय मिलेगा तो। और अब मैं थोड़ा सा खाना बना के रख दूंगी क्योंकि हमको यहाँ से 5:30 बजे जाना है और वहाँ से कब तक आ पाए कुछ पता नहीं। और फिर मैं अब दिन भर से भूखी हूँ, फास्ट हूँ और बहुत थक गई हूँ, तो फिर वहाँ से आने के बाद मुझसे खाना तो बनेगा नहीं, तो मैं बना के और रख करके जाऊँगी। तो फ्रेंड्स अब मैं थोड़ा सा कुछ काम कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे बाकी की बात करूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए मैं अब तैयार हो गई हूँ जाने के लिए और ये देखिए मैंने ये सूट पहना हुआ है और देखिए मैंने रेड लिपस्टिक लगाई है और बहुत टाइम बाद लगाई है। तो फ्रेंड्स चलते हैं और देखते हैं क्या क्या हो रहा है वहाँ पर, आप भी इंजॉय कीजिएगा। तो फ्रेंड्स जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर कीर्तन चल रहा था क्रिश्चियंस का, और उसके बाद प्रेयर हुई थी और बहुत कुछ हुआ था, तो आप देखने के लिए बने रहिए। एक जन्म प्रभु आप आशीषित करते हैं प्रभु, उसके लिए और आपने किया है प्रभु उसके लिए आपका धन्यवाद। विशेष पिता परमेश्वर इस भोजन वस्तु के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप इसे छुइए शुद्ध कीजिए, इसके हर एक नुकसान से बचाइए और जिस भी भंडार से प्रभु यीशु हमें ये मिला है प्रभु भंडार कभी खाली ना हो प्रभु, आप उसको अनुपम अलौकिक बरकत और आशीषों से भरिए मेरे प्रभु। सारी बातों में आपका धन्यवाद एक बार फिर से। इस घर में हर एक जन को आशीषित कीजिए, उनके बच्चों को आशीषित कीजिए, जो भी इनकी लक्षा है प्रभु यीशु, जो इनकी इच्छाएं अभिलाषाएं हैं प्रभु यीशु आप प्रभु पूरा करें। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर जीसस प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से। तो फ्रेंड्स अब हम घर के लिए वापस चल दिए थे और जब हम लौट रहे थे तो काफ़ी समय हो गया था और चारों तरफ अंधेरा हो गया था, बट लाइटें जो थी रोड्स की जब वो जल रही थी तो बहुत खूबसूरत लग रही थी।